नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रियरी एल्गोरिदम। ठीक है, ये जो अप्रियरी एल्गोरिदम है ये काम क्या करता है, एग्जैक्टली इसका रोल क्या है? तो इसका इस्तेमाल है टू जनरेट एसोसिएशन रूल। इसके मदद से हम एसोसिएशन रूल जनरेट करते हैं। अब करना क्या है, एसोसिएशन रूल का मतलब क्या होता है, उसको जनरेट करके क्या होगा, जो एसोसिएशन रूल है उसके मदद से क्या होता है, वी दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइटम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। अभी इसका कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता है, बट इसको इस एग्जांपल से समझो कि मान लो कि आप शॉपिंग करने जाते हो और आपका जो 10 दिन का डेटा है वो मेरे पास है कि आप 10 दिन गए हो खरीदने के लिए, कुछ कुछ सामान गए। तो जब डे 1 गए तो आप आइटम नंबर 1, 3 और 4 खरीद के लाए, जब डे 2 गए तो उस दिन तुम ये आइटम्स खरीद के लाए, डे 3 पे ये, डे 4 पे ये। तो अब मैं रिलेशनशिप निकालना चाहता हूँ, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे लेट्स से जिस टाइम पे तुम ब्रेड खरीदने चाहते हो, तो इस एल्गोरिदम की मदद से मैं देखना चाहता हूँ ब्रेड के साथ तुम कौन सी चीज़ खरीदते हो ज़्यादातर, किस चीज़ का एसोसिएशन उसके साथ जुड़ा हुआ है, हाउ टू आइटम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रियरी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आई है? अप्रियरी एल्गोरिदम वन ऑफ द मोस्ट फेमस एल्गोरिदम है जो यूज़ होता है इस आपके डेटा एनालिटिक्स के अंदर, कि हम इस चीज़ को एनालाइज करें कि सामने वाला किस पैटर्न से शॉपिंग करता है, किस पैटर्न से कोई चीज़ खरीदता है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम इस चीज़ में हेल्प करता है। अब हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स जिस पर अप्रियरी एल्गोरिदम डिपेंड करता है, तो अप्रियरी एल्गोरिदम के लिए 2 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आपको ध्यान देना होगा। नंबर 1 पैरामीटर इज मिनिमम सपोर्ट। वो आपको बताएगा मिनिमम सपोर्ट कितना है, यानी कि मैं जो फैसला लेना चाहता हूँ ना वो ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर सामने वाला एटलीस्ट 40% चांसेस हैं कि वो इसके साथ ये खरीदता ही है, ये मिनिमम सपोर्ट है, ताकि मैं ये मान सकूँ कि अगली बार आएगा तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये मिनिमम सपोर्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि एक लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं इतना तो श्योर हूँ यार, मतलब एक बार मेरा सपोर्ट लेवल मिल गया ना तो मैं अपना कॉन्फिडेंस चेक करूँगा कितना मैं श्योर हूँ अपने सपोर्ट लेवल को लेके, कि ये श्योरिटी है कि अगर उसने 1 आइटम खरीदा है तो साथ में 3 खरीदेगा ही खरीदेगा। इस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अप्रियरी एल्गोरिथम। ये बात समझ में, इसको एक एग्जांपल समझते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे सामने, एग्जांपल में क्या हुआ कि हमें कुछ यहाँ पर डेटा आइटम्स दिए हुए हैं, ये ट्रांजेक्शन आईडी है 1, 2, 3, 4, 4 दिन गए थे खरीदने के लिए, ये डेटा खरीद के लाए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स ऑफ हमें फॉलो करने होते हैं सोल्यूशन के लिए, अगर उन स्टेप्स को फॉलो करो तो ही आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो उन स्टेप्स का ध्यान रखना है, उन स्टेप के मदद से ही सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम लोग आइटम्स को लिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है अपने को, स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, यहाँ पर आइटम्स को लिस्ट करना है और साथ में उसका सपोर्ट पता करना है। स्टेप नंबर 1 क्लियर है? स्टेप नंबर 1 में सारे आइटम्स लिखो और उसका सपोर्ट निकालो। तो जो मार्केट का है तो खरीद के क्या क्या लेकर आए थे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ज़्यादा ज़्यादा 5 चीज़ खरीद के लाए हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 के अलावा कभी कुछ और तो नहीं खरीदा तुमने, तो ये हमारे टोटल आइटम्स हैं। अब इनके लिए सपोर्ट निकालना है। सपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि तुम उस पर्टिकुलर आइटम को कितनी बार खरीद के लाए हो इस 4 दिनों में, इन 4 विजिट्स में उन आइटम को कितनी बार खरीदा है। जैसे 1 आइटम की बात करें तो 1 2 बार खरीदा है मैंने, 2 बार खरीदा है 4 दिनों में, कितना हुआ 50%। ये बात समझ में, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, 50% कैसे निकाला मैंने। वैसे आइटम नंबर 2 चेक करो, 1, 2, 3, यानी ये हो गया मेरे पास 3/4, तो 3/4 कितना होता है 75%। और थर्ड आइटम के लिए चेक करो तो 1, 2, 3, ये भी 3/4 है, 3/4 है मतलब 75%। फोर्थ आइटम के लिए देखो तो ये सिर्फ एक ही बार लेकर आए थे, तो ये है 1/4 यानी 25%। और फिफ्थ आइटम के लिए 1, 2, 3 यानी कि 3/4 यानी 75%। ठीक है, तो तुमने क्या किया, सारे आइटम्स के लिए एक एक बार उनकी सपोर्ट लेवल निकाल दिया। जैसे मैंने बताया था एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा तो आपको 2 डेटा और बताएगा, कौन कौन सा, एक मिनिमम सपोर्ट बताएगा और दूसरा थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस बताएगा, थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक, ये 2 चीज़ें देगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम सपोर्ट मान लो दिया हुआ है 50% का और थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस दिया हुआ है 70% का। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट 50 है, मतलब अगर किसी का सपोर्ट 50% से भी कम है तो हम कह सकते हैं कि यार उसको खरीदने के चांसेस ना बहुत कम है। तो इसमें मेरे को दिखता है आइटम 4 खरीदने के चांसेस कम है, तो इस आइटम 4 को डिस्कार्ड कर देते हैं, इस आइटम 4 को छोड़ के। अब हमने बोला कि यार अब ना नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप पता करना है, तो भाई 4 के खरीदे जाने के तो चांसेस कम है, वो तो शायद उसने बस तुक्के पे उस दिन ले लिया था, रोज़ नहीं खरीदेगा। तो मेरे पास आइटम्स कौन कौन से मिल गए 4 को रिमूव करने के बाद, 1, 2, 3 एंड 5,
ये आइटम्स मिले, ये बात समझ में। अब मेरे पास इतने आइटम्स बचे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक बार आपको आइटम्स कंसीडर कर लिए हैं आपने सपोर्ट लेवल की मदद से, तो नेक्स्ट स्टेप होता है पेयरिंग करना। यानी यहाँ पर सिंगल सिंगल आइटम देखा था, अब पेयरिंग करो। तो पेयरिंग के लिए क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा कुछ लगता है कि आप इसका इसके साथ कार्टेशियन कर दो, तो तुम्हें पेयर कौन कौन से मिलेंगे, वन का टू के साथ मिलेगा, वन का थ्री के साथ, वन का फाइव के साथ, फिर टू का थ्री के साथ, सिमिलरली टू का फाइव के साथ, और एक और कौन सा होगा, थ्री का फाइव के साथ। आपको ये आइटम्स मिलेंगे ITEMS, ठीक। और अब इनका सपोर्ट निकाल लो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या हुआ। यहाँ पर सिंगल आइटम्स का सपोर्ट निकाला, आप पेयरिंग करके सपोर्ट निकालोगे, सपोर्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मतलब इस इक्वेशन को, कि अब वन और टू एक साथ कितनी बार आए हैं, एक साथ सिर्फ यहाँ आ रहे हैं, एक साथ इसके अलावा कहीं आए नहीं है। यानी कि ये होगा वन बाई फोर, उन चार दिनों में से एक और दो एक साथ मैं सिर्फ एक ही बार लाया हूँ, तो इसका परसेंटेज कितना है सपोर्ट लेवल, 25%। वैसे ही वन और थ्री चेक करो, वन एंड थ्री दो बार आए हैं, टू बाई फोर यानी कि 50%, ठीक है। वन और फाइव चेक करो, वन के साथ फाइव सिर्फ एक ही बार आ रहा है, वन बाई फाइव यानी कि हो गया 25%। ये बात समझ में आ रही है, बताओ ये चीज़ें क्लियर हुई क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर ये टॉपिक क्लियर हो रहे तो ही आगे बढ़ने का फायदा है, क्योंकि इसके आगे अब फिर हम लोग तीन तीन की पेयरिंग करेंगे, तो आपको ये समझना होगा, फील लो। अब क्या हुआ, टू थ्री, टू थ्री के लिए देखोगे तो वहाँ पर दो बार लिया है, टू बाई फोर यानी कि 50%, ठीक। फिर आएगा टू फाइव, टू फाइव के लिए आएगा तो थ्री बाई फोर, तो हमने तीन बार लिया है तो 75%। फिर थ्री फाइव के लिए चेक करोगे तो टू बाई फोर यानी कि 50%। तो इसमें से हमें पता चला कि यार ये दोनों बेकार हैं, यानी कि वन टू और वन फाइव ये नहीं हो रहा, वन के साथ टू और वन के साथ फाइव ये बहुत रेयर होता है, ये मैं नहीं खरीदूँगा। लेकिन वन के साथ थ्री, टू के साथ फाइव और थ्री के साथ फाइव खरीदने के ना चांसेस अभी भी हाई हैं, ये बात समझ में आ रही। यानी अभी सिर्फ सपोर्ट लेवल पे हम लोग फैसले लिए जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट में एक एसोसिएशन रूल बनाएंगे। अभी एसोसिएशन रूल पे नहीं पहुँचे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कार्ड कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट लेवल को मेनटेन कर रही हैं, ठीक। थर्ड स्टेप क्या होगा, जहाँ पर हम लोग तीन तीन की पेयरिंग कर देंगे। अब हमारे पास क्या क्या बच गया आइटम सेट, आइटम सेट में देखोगे तो फोर तो हट गया था पहले ही, तो अब यहाँ क्या बचा था, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फाइव पेयरिंग करोगे तो तुम्हें कौन कौन से मिलेंगे पेयर्स, बताओ। ITEMS आइटम्स यहाँ पे लिखवाओ मेरे को, एक होगा वन टू थ्री, फिर एक होगा वन थ्री फाइव, फिर नेक्स्ट होगा टू थ्री फाइव, और कोई बन रहा है क्या, देखो वन थ्री फाइव, टू थ्री फाइव और वन थ्री फाइव, और तो कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, दैट्स इट। इन तीनों को लेकर के इनका बताओ सपोर्ट लेवल निकालो, इनका भी, इनका सपोर्ट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो वन टू और थ्री एक साथ कितनी बार आए हैं इसके अंदर, देखो वन टू और थ्री एक बार आया है सर, ठीक है, तो इसका आ गया वन बाई फोर यानी कि 25%, ये बात समझ में। टू थ्री फाइव की बात कर, वन थ्री फाइव की बात करें तो वन थ्री फाइव एक बार आया और कहीं भी नहीं आया, तो वन थ्री फाइव भी हमारा 1/4 है यानी कि 25%। 235 की बात करो, 235 यहाँ भी है, 235 यहाँ भी है, यानी दो बार आया यानी कि 2/4 है यानी कि 50%। अगेन मिनिमम सपोर्ट हमारा 50% दिया हुआ था कि मैं चाहता हूँ 50% हो, तो ये वाला आइटम सेट भी डिस्कार्ड करेंगे, ये भी डिस्कार्ड करेंगे, सिर्फ ये वाला एक सेलेक्ट हुआ थर्ड स्टेप तक, ये बात समझ में आई, ये क्या हो रहा है यहाँ तक बताओ। यहाँ तक में हमने सिर्फ ये किया कि हमें ये पता चल चुका है कि हम कौन कौन से आइटम सेलेक्ट करने वाले हैं, तो हमें लास्ट में आंसर क्या मिलता है जब थर्ड स्टेप तक पहुँच जाते हैं, तो वी गॉट द आंसर कि हमारे पास ये तीन आइटम्स हैं, कौन कौन से, टू थ्री एंड फाइव। इन तीनों के बीच में जो मिनिमम सपोर्ट है ना, इन तीनों के बीच में कुछ तो आपस में रिलेशनशिप है, और अभी भी मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट जो था वो इंटैक्ट है, मिनिमम सपोर्ट 50% का वो बचा हुआ है, यानी कि इनके बीच में एसोसिएशन पॉसिबल है और ये हमारी हेल्प कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद अगला स्टेप आता है एसोसिएशन रूल के ऊपर काम करने का, एसोसिएशन रूल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ तक समझ लो, उस वीडियो को ज़रूर देखना तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।